हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट आवर ऑनर्ड वन सातोरू गोजो। गोजो को बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि उसके पावर्स के हिसाब से वो उतने फाइट्स में शामिल नहीं होता है, चेक द सिचुएशन बहुत खराब ना हो, जिस वजह से उसे बहुत लोग आलसी भी कहते हैं। लेकिन असल में वो ज़्यादा छोटे मोटे फाइट्स में इन्वॉल्व नहीं होता है क्योंकि वो चाहता है उसके स्टूडेंट्स भी कॉर्ड स्प्रिट से फाइट करें, जिससे स्टूडेंट्स को ग्रो होने का एक मौका मिले। 400 सालों बाद गोजो क्लैन में सातोरू का जन्म हुआ, जिसके पास सिक्स आइज और लिमिटलेस दोनों थे, जिस वजह से बचपन से ही गोजो को सभी बहुत मानते थे और ज़्यादा अटेंशन मिलने की वजह से वो बड़े होते होते बदतमीज बन गया, ऐसा जेजे के राइटर गिगा अकुतोमी का कहना है। डेथ नोट के एल की तरह गोजो बचपन में बहुत मीठा खाता था ताकि वो अपने ब्रेन को स्टिमुलेट रख सके और बावरा ना बन जाए, लेकिन बड़े होते होते वो हर तरीके का मीठा खाने का शौकीन बन गया और वो सिर्फ मज़े के लिए मीठा खाने लगा। तुम्हें पता है गोजो रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है, नहीं मतलब अपना वाला गोजो नहीं, लेकिन उसके दूर के रिश्तेदार हैं मिचिजा ने सुगेवारा और ये यूता का भी एंसेस्टर है, जिस वजह से यूता और गोजो मेले में बिछड़े हुए टीचर और स्टूडेंट की तरह है। ये मैच नहीं किया। खैर, मिचिजा ने सुगेवारा ये आदमी रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है जो कि ये नेरा से बिलोंग करता है, जिस एरा से सुकुना बिलोंग करता है। साथ ही मिचिजा ने गॉड ऑफ लर्निंग को बहुत मानते हैं और जापनीज माइथोलॉजी में गॉड ऑफ लर्निंग है लॉर्ड टेंजिन और ये कैरेक्टर जेजे के वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करता है। क्या तुम्हें डिजिमन पसंद है? क्योंकि गोजो को डिजिमन बहुत पसंद है। हमें उसका एक मांगा फ्लैशबैक देखने को मिला जिसमें गोजो गेतो के साथ डिजिमन के बारे में बात कर रहा था और कोइंसिडेंटली गोजो के जापनीज और इंग्लिश वॉइस एक्टर दोनों ही डिजिमन फ्रेंचाइजी में काम कर चुके हैं। अगर तुम्हारा कभी एक्सीडेंट हो जाए और तुम जेजे के वर्ल्ड में रीइनकार्नेट हो जाओ तो तुम गोजो को कभी भी ड्रिंक्स के लिए मत पूछना, क्योंकि अल्कोहल उसका सबसे लीस्ट फेवरेट चीज में से एक है और ये पता नहीं कि उसे अल्कोहल क्यों पसंद नहीं, लेकिन वो रियली में ड्रिंक्स में अच्छा नहीं है। वैसे तुमने शायद ये सोचा होगा स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर ऑफ मॉडर्न एरा अपने फ्री टाइम में क्या करता होगा, लेकिन गोजो का तो कोई हॉबी ही नहीं है क्योंकि वो जो भी चीज ट्राई करता है वो जल्द ही उसे मास्टर कर देता है। वैसे क्या तुम्हें पता है गोजो एक नारुतो कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है? अगर तुम सोच रहे हो वो काकाशी है तो तुम बिल्कुल ही गलत हो, और मैंने भी पहले यही सोचा था, आखिर क्यों नहीं, वही सफेद बाल, बचकाने हरकतें और दोनों का ही बचपन का दोस्त विलेन है। लेकिन गिगे ने कहा है कि गोजो काकाशी से इंस्पायर नहीं है बल्कि नारुतो के जूनियर एग्जाम में दिखाए गए एक माइनर कैरेक्टर से गोजो इंस्पायर्ड है जिसका नाम है टोबिटा के टोम्बो। और जब किसिमोटो और गिगे मिलते हैं और गिगे ने उनको इसके बारे में बताया तो किसिमोटो खुद कंफ्यूज होकर पूछ रहे हैं, भला मैंने ऐसा कोई कैरेक्टर बनाया भी है? तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट्स हमारे प्यारे गोजो सेंसेई के बारे में। अगर आपको वीडियो जरा सा ही पसंद आया तो लाइक करना, अगर उससे ज्यादा पसंद आया तो कमेंट करना और वीडियो कुछ ज्यादा ही पसंद आया गया तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, सायोनारा।